Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि निकाह के ब्लॉग पे आप लोगों ने इतना माशाल्लाह इतना सारा प्यार दिखाया और इतनी सारी दुआएं दी। मुझे देख के लिटरली रोना आ रहा था कि यार लोग कितना खुश हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि दूसरों की खुशी में इंसान खुश हो। मैंने आप सबके कॉमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आप लोगों की दुआएँ देख के, आपके कॉमेंट्स देख के, और बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने का। और आज के ब्लॉग का टॉपिक है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आज के ब्लॉग का टॉपिक है निकाह के बाद की पहली दावत। तो देखते हैं आज हमारी पहली दावत किसने की है। तो अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, अभी तैयार होने जा रही हूँ जब तक मेरे हबीबी आ जाएंगे। हबीबी पहले इब्राहिम बोलती थी लेकिन अब तो हस्बैंड हो गए ना, अब हस्बैंड बोलेंगे। सो वो भी आने वाले हैं, तैयार हो जाते हैं, इनके साथ भी ब्लॉग बनाएंगे। और यार आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे निकाह के ब्लॉग पे, लेकिन एक बात मुझे बहुत 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 बुरी लगी हुई ये कि यार इतने सारे लोगों ने देखा लेकिन बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया। दिस इज़ नॉट फेयर। आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं, हमारी मेहनत होती है उसके पीछे, हम लोग इतना देखें। मेरा खुद का फंक्शन था, मैंने फिर भी उसमें क्लिप्स बनाए। तो ये चीज़ एफर्ट्स होती हैं, तो ये एफर्ट्स होती हैं। आप लोगों को बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कुछ भी नहीं करना। और बस मैं चाहती हूँ कि जो जो देखे ना वो चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब करें। अभी भी जितने लोग देख रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को पूरा देखना है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं इब्राहिम, फिर उनके साथ हम ब्लॉग बनाते हैं आधा। तो हमारे घर में फर्स्ट टाइम पहली बार दामाद जी पधारे हैं। हेलो दामाद जी, कैसे हैं आप? बल्कि तो मेरे तो दामाद जी देंगे। ये देखें ये अभी तक इनके गुप्त चल रहे हैं, कोई हाय हेलो कुछ ऐसे भी क्या, शर्म के चेहरा ही नहीं दिखा रहे। अल्लाह, मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, ये तो क्वीन, ये तुम्हारा हुआ। नहीं मुझे नहीं चाहिए, वैभव बहुत रखे हुए हैं सब, बहुत सारे हैं। तो अब हम जा रहे हैं कश्यप की बर्थडे में। कश्यप ने हमारी पहली दावत की। सारे कश्यप ने हमारी दावत की है, कैरी फर्स्ट बर्थडे की है कश्यप ने। कश्यप ने हमारी पहली दावत की, तो अब हम जा रहे हैं कश्यप की दावत में। मैं तैयार शहर हो गई थी। चलो भाई चले चले चले, इधर तो देखो, इतनी भी क्या शर्म, ये हमारे घर में आज ही तुमने अपनी वो मेहमान नवाजी शुरू करवा दी है। अल्लाह कितना शर्मा रहे हैं मम्मा, मम्मा को अपनी साइड कर लिया तुमने। हाँ माशाल्लाह बहुत शर्मीला, कहने लगे बड़े आए, सबको छोड़ के, ये दोस्त यार सबको छोड़ के अपने बड़ों के पास आ गए। कह रहा मैंने ये चीज नोट करी, मुझे बहुत अच्छी लगी उस बच्चे। शर्मीले बड़ी तारीफें हो रही हैं। हाँ भाई, हाँ चलिए जी गाइस, अब हम जाते हैं नीचे, इसके बाद आधा ब्लॉग करेंगे। ओके गाइस, मेरे हस्बैंड जो हैं अभी कल ताज़ा मेरे हस्बैंड जो बने गाड़ी चला रहे हैं। हेलो हेलो अभी, कैसे हैं आप? वैसे आपको कैसे लग रहा है मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ इतने प्यार से? नहीं ऐसे नहीं करवा रही, तो मेरी बात है ना, ऐसे तो करना पड़ता है ना, क्या करें, करना पड़ता है। हाँ ना, सबके सामने ऐसी बात करनी चाहिए, अकेले में मैं तुम्हें तुम कह सकती हूँ। अरे भाई ऐसे होता है ना, भाई पाकिस्तानी लड़कियाँ हम ना शादी के बाद बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, समझ आ रही है आपको? हाँ, वैसे आपको कैसा फील हो रहा है आप पहली दावत पे जाने अपनी बेगम के साथ? कैसा फील हो रहा है? हाँ जी मुझे वैसे ही ऐसे फील हो रहा है। हाँ ऐसा क्योंकि मैं अपने घर चली गई ना, इसलिए मुझे भी ऐसे लग रहा था जैसे कोई इवेंट हमने अटेंड किया एंड देन इब्राहिम ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया, मैं अपने घर आ गई है ना। तो ये अच्छी बात है, पता है ऐसा इतना फील करना भी नहीं चाहिए, इंसान के नॉर्मल रहना चाहिए, तो इट्स गुड। ओके और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना 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 सारा प्यार दिखाया, हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, जिन जिन्होंने हमें दुआएं दी, जो जो खुश हुआ हमने सबको देखा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुछ मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, मैं
अच्छा मैं कह रहा था ना इंशाल्लाह ये वायरल हो गया, हमें ना सब लोग प्यार करेंगे। इतना थी पता और... ना हमने नॉर्मल अपना इवेंट की तरह किया, लेकिन देखो नहीं, लेकिन देखो मैं आपको कह रहा था ना कि इंशाल्लाह सब लोग प्यार करेंगे और सबने माशाल्लाह माशाल्लाह लिखा बहुत अच्छे, मतलब सबने मैं कमेंट सबके देख रहा हूँ, सब तारीफे सारे लोगों को, मतलब सोशल मीडिया के लोगों को इतना इन्वाइट किया था, बहुत सिलेक्टिव लोग हैं। क्या सिलेक्टिव लोग हैं, लेकिन क्या है जल्दी करो, कश्यप गुस्सा कर रही होगी, क्या इब्राहिम लेट हो गया। इब्राहिम ने बस लेके गाइस क्या गाइस देखें ये है ना गजरे, इब्राहिम ने लिए मेरे लिए, वैसे तो तुम ले देते हो। हाँ ना यार बनाओ तो सही, ऐसे थोड़े तो अब तो बना सकते है ना आप। पहले तो आप दिलाते थे लेकिन पहनाते नहीं थे, लेकिन अब तो आप पहना भी सकते हैं ना। लेकिन मुझे पहनाना ही नहीं, या आपके नाम की मेहंदी भी लगाई है मैंने। क्या मतलब मुझे पहनाना ही नहीं है? क्यों नहीं पहनाना आप, कौन पहनाएगा फिर? चलो चलो पहनाओ। कौन पहनाएगा क्या मतलब? थैंक यू राइन, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे तो सारे फूल गिर रहे हैं। कोई बात नहीं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका भला करे, कश्यप ने हमारी पहली शादी के बाद दावत किया, खुद तो आई नहीं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं लोगों की दावत कर दूं ताकि ना मुझ पे से एक बात हट जाए कि मैं शादी अटेंड। कश्यप आप बताना पसंद करेंगे या आपने क्यों नहीं अटेंड की? देखो देखो मेहंदी हूँ, मैंने कार्ड सही से नहीं देखा, 21 तारीख को 22 तारीख तो ज्यादा पता है किस बात का था, मेरी तुमसे एक दिन पहले ही बात हो रही थी। मुझे भी यही हैरानगी थी, हमारी सेटलमेंट रोज बात कर रहे हैं, रोज एक्साइटमेंट में रोज बात कर रहे हैं, हमारी सेटलमेंट हुई थी, क्या देना क्या नहीं देना। लेकिन ये आई नहीं, बात सुनो शादी के बाद दे सकते है क्या आप? बिस्मिल्लाह करो। अरे हाँ ये भी है, चलो छोड़ो यार, तुमने हमारे लिए सब इतना कुछ ऑर्डर किया है, बर्थडे पे दे दूंगी यार तोहफा। तुम ना भी दो मेरी जान, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन मुझे बहुत शौक लगा कि कश्यप नहीं आए, सब बोल रहे थे कश्यप नहीं आए कश्यप नहीं आए, सब वैसे मेरा पूछ रहे थे। हाँ सब कह रहे थे तुम्हारी करीबी दोस्त। हाँ ना तुम हो ही मेरी जान, तुम पता सब सबसे नंबर वन पर सिर्फ तुम ही आती हो। आई लव यू। अगर सब में से चूज करना हो ना तो तुम्हें को करूंगी मैं। हाय तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मैं अकेली थी लिटरली, मैंने सारी मैनेजमेंट में अकेले करी, तुमने किया ना मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सहारा मिल गया मुझे। अकेले में नहीं बोली तू सारी चीजें, अल्लाह का वादा गॉड प्रॉमिस, इसके बगैर भी मैं तुम्हें बोल सकती हूँ सच में, मुझे बहुत सहारा मिला कि मेरी कोई बहन है, मुझे ऐसा लगा आधा काम बढ़ गया मेरा। तुमने बहुत किया कश्यप, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, तुम नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैं बहुत, हम भी तुम्हारी शादी में नहीं आई। जवान मार दूंगी। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं, अतुफा की शादी में मैं 7 दिन पहले अतुफा के घर रुकने चली जाऊंगी। शादी के बाद मत आना, कहीं पता चल शादी के बाद आ रही हो 7 दिन। शादी से 7 दिन पहले आ जाऊंगी, फिर काम शाम भी देखना पड़ेगा ना, तुम्हारी तो शादी करीब होगी ना, फिर तुम कहाँ दुल्हन बन के बैठी हुई होगी, तुम काम सारी चीजें देखनी होंगी। हाँ, तो फिर मैं आ जाऊंगी ना तुम्हारी बहन बन के, तो मैंने ही आना है यार, ये हमारी इतनी अच्छी दावत की पहली दावत है, तेरी दावत आए हैं, उंगली मैं ही पकड़ूंगी किसकी? इब्राहिम की जो उंगली पकड़ाई होती है, मैं तुम्हारी उंगली पकड़ेगी, उंगली पकड़ाई में मैं तो सोचती हूँ आज ही पकड़ के रसम कर दूँ और बोलूँ की निकाल चल निकाल चल, कल की थी ना अभी हर हर में कैसे नहीं करो, हाथ पकड़ लेते हो एक हाथ पकड़ लेते हो। सुनो अभी मैं बता रही हूँ कि उंगली पकड़ाई कल किसी ने नहीं की ना, नहीं साली करती है, तो अभी खाना वाना खा लो, तो मैंने फिर इब्राहिम की छोटी वाली उंगली पकड़नी है, फिर मैं मांगूंगी अपनी वो उसे क्या बोलते हैं तुफा, मुझे नहीं पता तुफा, तो मैं रसम का ही नहीं पता, नहीं मुझे रसम का पता है, मैं उसको हमारे हमारे कल ना इस तरह मुंह दिखाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पता है, हम मेरे जो निकाह था ना वो ना मैं स्टेज पे बैठा, ये जो पर्दा जहाँ लगा हुआ था वहाँ बैठी ना, तो असल में थोड़ा सा आउट हो गया, तो मौलवी ने कहा करना है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आउट हो गया। थैंक यू सो मच, हमारे लिए खाना बनाया, थैंक यू कश्यप, हमने पहली दावत आपसे अटेंड किया, आपने हमारी शादी अटेंड नहीं की, लेकिन हमने आपकी दावत अटेंड की, मैं पूरी जिदगी तुम्हें ताना मारूं, तुम्हारे बच्चे होंगे ना उनको भी बताऊंगी। जहर लग रही, आई हेट यू, लाल लहसुन बनाओ, तुम बना लो, तालियों में जाओ, एक मिनट मैं बाल सुन रही हूं।
निकाह मुबारक निकाह मुबारक नक्शे आती निकाह मुबारक बहुत और सही है तू सॉरी बोल देती है रुखसती में सबसे पहले हम आएंगे तुझे पिक मैं करूंगा अपने डाले में सही है कश्यप फतूफा को देख लेगी मैं तुझे पिक करूंगा मैं इब्राहिम को पिक करूंगा इसके रुखसती पे इब्राहिम को तैयार भी मैं ही करवाऊंगा इब्राहिम जब तू दूल्हा बनेगा ना तेरा वो जो उसको क्या कहते हैं अतूफा वो जो सर पे था शाह पगड़ा जो होता है ना वो मैं तुझे पहनवा के उधर ही सलोन में प्रॉपर रेडी करके मैं तुझे लेकर डन डील ये ला डील हो गई गाइस कश्यप तुम इनके साथ रोना ठीक है दोस्तों के टाइम रोना इसके साथ माफ कर दिया लेकिन ताने अभी तक ये औरत है बहुत ताने देती हूं मैं भी छोड़ूंगी इतने ताने मार दिए कि अब मैं जलील हो के सोच रही हूं मैं क्या करूंगा अब मैंने सोचा अब दूसरी दावत थी क्या दोबारा रखनी पड़ेगी नहीं दावत नहीं करो पर दोबारा निकल करना पड़ेगा बोला लेकिन हम लोग बंदे अच्छे हैं समझ में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई बात नहीं पता है इब्राहिम तुम ना पटा प्रधान ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी गलती या कुछ ऐसा हो जाता है वो दावत कर लेते हैं अपनी मतलब इज्जत देते हैं फिर माफ कर देते हैं ये मेरा भाई इज्जत दिया ना बहुत अब माफ करो सुलह हो गया गाइस कश्यप ने हमारी दावत की थी ऐसी बात नहीं है उन्होंने बिल भी दिया मैं तो समझ रहा था ऐसी नहीं खैर बहुत अच्छा लगा नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार बस कश्यप एक गिला है गिफ्ट नहीं दिया ना निकाह का वो भी दे देंगे यार क्या बड़ी बात है क्या यार बस वो दे दो बस आपकी मेहरबानी 2-3 करोड़ रुपए कश्यप ने सोच के रखे टिकटॉकर है कश्यप टिकटॉकर बहुत पैसा इनके पास आप लोग समझ रहे हो ना देखो बहुत पैसा है पैसा बहुत आ रहा है कश्यप के पास माशाल्लाह बस थैंक यू सो मच आपने हमें बुलाया और क्या ताली खाने जाएंगे हम सिर्फ ताली देखेंगे सब का चुप खाएंगे अच्छा कम खा रहा कश्यप ने खाना कम कर दिया ऐसी ना पत्ती नहीं हुई है बहुत मेहनत कर रही है मेरी भी गाइस ये देखना यूं पत्ती होगी और चल आपको ना कश्यप की शादी का भी सरप्राइज मिलेगा अचानक से ये नहीं बताना था तू ये कब ये सरप्राइज कब होगा हाँ कब होगा शर्मा रही है दूल्हन हमारी दूल्हन नहीं अगर कश्यप शर्मा रही है तो समझो ये दुनिया उल्टी होगी कितना तैयार कश्यप देखा ये बहुत बहुत अच्छी बहुत अच्छी है ना चलो आपने बहुत ही अच्छा दावत किया और बहुत ही अच्छा किया मेरा जन्नत लिखा मेरी जन्नत ना मेरी जन्नत मेरा जन्नत जो भी है ना क्या करे यार चलो कश्यप थैंक यू सो मच हम जा रहे हैं ख्याल रखना फिर मिलते हैं ओके चले गाइस अतुफा का घर आके मैं बहुत ही खुआर हो गया था मुझे ना मेरा टायर ही पंचर मेरा नहीं गाड़ी का टायर पंचर हो गया था कश्यप ने ब्लॉग भी बनाया ब्लॉग भी बनाया उसने अच्छा चलो कश्यप के ब्लॉग में देख लें ओके अल्लाह हाफिज तुम जाओ घर अल्लाह हाफिज बाय बाय जाओ चलो जा रही बाय बाय